दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मिरेकल गार्डन। और मेरे साथ है मेरा भाई लक्ष्मी। तो मिलते हैं आपको मिरेकल गार्डन में। अभी हमें मॉल ऑफ एमिरेट्स, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मिरेकल गार्डन। और ये कितनी 65 की टिकट। और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, देख सकते हैं आप। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on फर्स्ट टाइम जब मिरेकल गार्डन बना 2013 वैलेंटाइन डे का दिन था, तो उस टाइम पे इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी बनने की, तो उस टाइम पे हुई थी। और इसको अप्रैल 2015 में जो कि बेस्ट गार्डन टूरिज्म अवार्ड मिला है, 2013 अप्रैल 2015 में इसको अवार्ड भी मिला है दोस्तों, जो बेस्ट गार्डन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है। और इसमें जो फूलों की वैरायटी है दोस्तों, वो कम से कम अब लगा लो 50 मिलियन जो इसमें फूल हैं, और जो प्लांट्स हैं इसमें 250 मिलियन प्लांट्स हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है दोस्तों, ये देखो पूरे कितना खूबसूरत है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, तरीके से बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये। आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा व्यू। सेम जैसे जहाज में होता है दोस्तों, जैसे सेम वैसे ही बना रखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बाहर से आ रहे हो, पानी साथ में लेके आना भाई, 5 ग्राम का पानी है, ठीक है? बहुत महंगा है भाई, यहाँ पे 1 ग्राम का पानी 5 ग्राम में है, एक का भी नहीं भाई। और अगर इसमें लागत की बात करें तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ लागत, जो अगर दिराम में है तो ये 40 मिलियन दिराम इसमें लगे हुए हैं, और अगर यूएस में, यूएस डॉलर में बताऊँ तो 11 मिलियन डॉलर पूरे जो इसमें खर्च हुए हैं। तो दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू गूगल में इसमें लागत लगी हुई है। और ये आप पूरा यहाँ का व्यू पूरा बढ़िया ढंग से दिखाने की कोशिश की मैंने आपको पूरा। और दोस्तों ये जब ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये हुआ था फरवरी 2013 में। और इसकी जो टोटल जितना जिस एरिया में बना हुआ है ये, तो 21,000 स्क्वायर फीट में दोस्तों ये है। और तो दोस्तों ये है मिरेकल गार्डन, पूरा क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं, गजब के नज़ारे। और ये देखो एकदम बिल्कुल अलग हट के देखो, ये हॉर्स का कितना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने,
मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आपका टाइम वेस्ट हो, आपको आपको टाइम ही कम पड़ जाएगा घूमने के लिए, इतना इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बच्चों के लिए भी है, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो आप, कुछ शॉप भी बनी हुई है अंदर की तरफ। तो अगर आपको कभी भी जाना है तो ये ओपन जो होता है जनरली ये वैसे अक्टूबर टू अप्रैल में इन महीनों में ये ओपन होता है, लेकिन कुछ महीने कुछ टाइम ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें आप शायद मे बी मई टू सितंबर शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन क्लोज होता है शायद। तो एक बार अगर जाएँ तो आप पहले कंफर्म कर लें कि यहाँ ओपन है कि नहीं है, क्योंकि आप जाओ फिर टाइम वेस्ट हो आपका, तो प्लीज़ आप कंफर्म कर लें। तो दोस्तों ये मेरा कलर गार्डन का थोड़ा बहुत व्यू दिखाया मैंने, इसके बाद दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि मैं अगर एक ही पार्ट में आपको दिखाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सेकेंड पार्ट भी आएगा इसका, आप ज़रूर देखें उसको।